दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों आज हम आंकड़े के पौधे की बात करेंगे। आंकड़े का पौधा जिसे हम आग का पौधा या मदार का पौधा भी कहते हैं, शिव जी को सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। आग के पौधे का जड़, इसके पत्ते और इसके पुष्प फल भी, क्योंकि इसके जड़ के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग तो होते ही हैं, पर इसकी जड़ में गणेश जी की जो पौधा है 12 साल पुराना है उसमें अपने आप उग आते हैं। तांत्रिक पौधा है ये, जिसको हम मदार कहते हैं, आंकड़े का पौधा कहते हैं। कहा जाता है कि अगर इसका एक टुकड़ा कमर में आप धारण कर लें तो बाझन को भी संतान हो जाता है, अगर दाहिने भुजा में धारण कर लें तो सौभाग्य बढ़ता है। इस पौधे की जड़ में गणेश जी की आकृति कुछ साल पुराने होने पर अपने आप उगाती है। गंभीर से गंभीर परेशानी भी पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है और घर की रक्षा के लिए, तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए इस पौधे को अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें तो नजर दोष, तंत्र प्रभाव, टोने टोटके सब समाप्त हो जाते हैं। दुष्ट ग्रहों का असर नहीं पड़ता। तो मदार की जड़ को बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इस पौधे में फल भी लगता है। आपने देखा होगा सूखने के बाद रुई की तरह उड़ता है। तो मदार का पौधा अगर आपके घर के बाहर अपने आप उगाया तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, लेकिन नहीं उगा है तो आप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मदार का पौधे के एक डाली तोड़कर ले आएं, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार करके आप उसको कहीं से बाहर ले जाकर फेंक दें। आप देखेंगे उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नज़र हाय बद्दुआ बुरे दोष को समाप्त कर देता है, टोने टोटके को दूर कर देता है। इस पौधे में अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है जो जीवन के हर परेशानी से, हर समस्या से आपको बचाव करता है, लेकिन इसके कुछ खास प्रयोग भी होते हैं। मदार के पौधे में जो फल लगा होता है, आप एक फल ले आइए, उसमें से निकाल कर के कच्चा हो या फिर सूखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूखने के बाद तो उड़ जाएगा, लेकिन आप एक ले आइए। अब इस फल को आप हल्का सा सूखा लें, आप लाकर अपने घर के इसको पूजा वगैरह करके, यानी इसको आप पूजा वगैरह कर लें, कहीं भी आप छत पे या फिर कहीं पर भी आप ऐसी जगह रख दें कि जहाँ ये सूख जाए सूर्य की रोशनी से। इसके बाद लाल कपड़े में लपेटकर आप इसको संभाल कर रख लें। जीवन के हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, चारों तरफ से आपकी रक्षा करेगा, धन वैभव खींचा चलाएगा। ये जो इसका फल है, तो मदार का पौधा बहुत ही काम का है। इस पौधे का जो पुष्प है, उस पुष्प को अगर आप नियमित रूप से शिव जी पर अर्पित करें तो शिव जी हर मुश्किल से आपको बाहर लाते हैं। बहुत सिंपल है, प्रयोग इसका बहुत अचूक है। अगर शत्रु विरोधी परेशान कर रहा है तो मदार के पौधे के पास आप जाएं। किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर सफ़ेद मदार हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब उस पेड़ के पास चले जाइए, पेड़ को प्रणाम करें, वहीं पर आप बैठ जाइए और बैठने के बाद मदार के पेड़ के पत्ता तोड़ लें। जितने शत्रु हों उतने ही पत्ता तोड़ लें। अब पत्ते पर उसी मदार की जड़ से जो दूध निकलता है, जड़ से शत्रु का नाम लिख लें इस पत्ते पर। जड़ यानी जड़ से आप इसको पहले इसका नाम लिख लें, इसके दूध से नाम लिख लें, यानी जो पत्ते से दूध निकलता है उससे आप नाम लिख लें और जड़ में आप दबा दें, यानी कि इसी मदार के नीचे जड़ में दबा दें और थोड़ी मिट्टी भी डालकर यानी कि इसमें मोन दीजिए। याद रखिएगा कि हर एक शत्रु के लिए अलग अलग पत्ता आपको प्रयोग करना है। चाहे आप अगले उंगली के सहारे लिख सकते हैं या फिर किसी के सहारे आप मदार के दूध से शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और शत्रु का नाम लिखते समय शत्रु का भाव रखिएगा मन में कि वो शांत हो जाए, आपको दोबारा परेशान नहीं करें। और ये प्रक्रिया लगातार 3 शनिवार या फिर 3 मंगलवार को कर लीजिए। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे और वो चाहकर भी आपका नुकसान कभी नहीं कर पाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे आप। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे, विदा लेते हैं। तब तक ले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।